शहीद संदीप के घर सीएम मनोहर लाल खट्टर पहुंच चुके हैं, शहीद के परिजनों को मिलकर सांत्वना दी है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, शहीद के परिवार से मिलने पहुंचे हैं सीएम लाल मनोहर लाल खट्टर। बल्लभगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शहीद के परिजनों से मिलकर सांत्वना दिया, शहीद हरि सिंह के परिवार से विनोद लांबा संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। विनोद, सीएम पहुंच चुके हैं, सीएम ने क्या कुछ कहा परिवार से? जी बिल्कुल, सीएम पहुंच चुके हैं और करीब करीब आधा घंटा पहले पहुंचे थे और 30 से 35 मिनट यहां सीएम रहे हैं। और अब मैं आपको ताजा जानकारी ये दे दूं कि सीएम यहां से निकल चुके हैं और यहां से रेवाड़ी जाएंगे एक और शहीद के परिवार से मिलने। हेलीकॉप्टर से निकलेंगे फरीदाबाद से रेवाड़ी के लिए और यहाँ शहीद संदीप के घर में मुलाकात हो चुकी है, उनके परिवार के साथ परिजनों के साथ काफी देर बैठे रहे। और इसके अलावा एक जो संतावना देने का काम होता है समाज बैठता है वहां तो बैठे ही, इसके अलावा मुलाकात की शहीद संदीप की धर्मपत्नी गीता से और उनकी माता से, वहां पूछा बच्चों का हाल चाल। उस संदीप की धर्मपत्नी जो अब उनसे भी पूछा कितनी आप पढ़े लिखे हो, और उस मुलाकात के दौरान भी हम लोग वहां मौजूद थे। तो करीब 30-35 मिनट बाहर बैठने के बाद उनकी माता और उनकी धर्मपत्नी से शहीद संदीप की धर्मपत्नी से मुलाकात की है सीएम मनोहर लाल खट्टर ने और यहां से अब निकल चुके हैं। और अगला जो दिन का कार्यक्रम रहेगा रेवाड़ी के जो शहीद हैं उनसे मुलाकात करेंगे सीएम मनोहर लाल खट्टर। विनोद, परिवार का क्या कुछ कहना था? सीएम आए थे, सीएम आके चले गए, मुलाकात हुई परिवार की, परिवार का क्या कुछ कहना है शहीद के परिवार का? यही बातचीत थी कि तमाम जो चीजें बताई गई परिवार किस तरह से चलेगा और यहाँ के स्थानीय जो लोग भी मौजूद थे उन्होंने भी परिवार की जो परिस्थिति है उनके सामने रखी किस तरह से है। और सीएम ने भी आश्वासन दिया है कि सरकारी नौकरी तो जो एज पर द नियम मिलती ही है, लेकिन अगर उनकी जो विधवा है शहीद संदीप की वो कोई नौकरी करना चाहेंगी तो उनकी एजुकेशन को पता करते हुए सीएम ने आश्वासन दिया है कि नियमों से इतर भी उनकी मदद की जाएगी। और परिवार की तरफ से कहा गया और कुछ जो उनके कजन ब्रदर्स वगैरह थे उनकी तरफ से कहा गया कि ये पत्थरबाजों वाला इलाज होना चाहिए और ये मैसेज हमारा पहुंचा दो, क्योंकि इस शहीद संदीप के जो फ्यूनरल में ये चीज लगातार उठकर आ रही थी कि आतंकवादी जो करते हैं वो करते ही हैं, इसके अलावा जो पत्थरबाजों की वजह से ही शहीद संदीप को जो इनकाउंटर में गोलियां लगी थी वो एक बहुत बड़ी वजह थी। तो आम लोगों की भावना ये पहुंचाई गई मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से, जो कि मोदी के लिए संदेश के तौर पर इन लोगों को बताया गया कि मुख्यमंत्री आप ये मैसेज पहुंचा दीजिए कि पत्थरबाजों का भी इलाज होना बेहद जरूरी है क्योंकि आतंकियों से ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं ये पत्थरबाज। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका। साफ तौर पर सीएम मनोहर लाल खट्टर पहुंचे, उन्होंने परिवार से बात भी की है, परिवार को ये सांत्वना भी दी है कि हम उनकी जो धर्मपत्नी है उनको नौकरी दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे, उनकी योग्यता भी उन्होंने पूछी। और आज इसके बाद इस संदीप के परिजनों से मिलने के बाद अब सीएम आगे रेवाड़ी भी जाएंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीएम मनोहर लाल खट्टर बल्लभगढ़ पहुंचे थे जहां आज शहीद संदीप के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की और शहीद को भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की। तो साफ तौर पर गमगीन माहौल है, जिस तरह से फिदायीन हमला हुआ उसमें 40 आतंकी मारे गए, 40 हमारे जवान शहीद हुए, फिर उसके बाद अटैक हुआ, मुठभेड़ हुई जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए, लेकिन फिर भी हमारे जवानों की वो ताकत थी, वो हौसला अफजाई थी कि जान हथेली पर रखकर उन 3 आतंकियों को मार गिराया जो फिदायीन हमले के मास्टर माइंड थे, जिन्होंने उस पूरे हमले का प्लान बनाया था, उनको घेर के ढेर कर दिया।